यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है और आभार जो हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जैसा कि ये कार्यक्रम किसानों को केंद्रित करके यहाँ पे आयोजित किया गया है, जो एक दलहनी की खेती को इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम भारत सरकार का एक मिशन, जो कि राज्य सरकार को आमंत्रित करूंगा कि वो मंत्री जी, माननीय मंत्री जी का स्वागत 100 रुपये और प्रमंडों से करें। मुख्य अतिथि माननीय श्री मंगल पांडे जी, जो कि कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, उसके साथ ही हमारे एनसीसीएफ के अध्यक्ष बचेर उपस्थित हैं। एक बार फिर से सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। साथ ही डीसीसीबी सिवान के अध्यक्ष, उनका भी आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसके साथ ही हमारे साथ जोरदार तालियों कृषि केंद्र सिवान से आए उपलब्धि, हमारे मंत्री माननीय मंत्री जी भी उन्हें 100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मंत्री जी का। अब हमारे एनसीसीएफ अध्यक्ष श्री विशाल सिंह जी को सम्मानित करने के लिए श्री मनोज कुमार सिंह जी को मैं आमंत्रित किया हुआ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कार्यक्रम नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा आयोजित किया गया है, और जो सिवान जिला के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, उनकी देखरेख में, मनोज जी की देखरेख में ये सब कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ है। इसका मूल मकसद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का यह सोच है और ये प्रयास है कि देश में दलहन के उत्पादन को बढ़ाया जाए। अभी पूरी दुनिया के 25% दलहन का उत्पादन भारत करता है, लेकिन हमारे पास दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के पर्याप्त संभावनाएं हैं, और दलहन की खेती जब किसान करता है तो उसको आर्थिक लाभ ज़्यादा होता है, चाहे वह चना हो, मूंग हो, मसूर हो, अरहर हो, या मक्के का उत्पादन करता हो किसान, तो खास करके जो दलहन है इसके उत्पादन को बढ़ा के किसानों के आमदनी को बढ़ाने की बहुत पर्याप्त संभावनाएं देश में हैं, बिहार में हैं। इसलिए इस साल
विशेष अभियान चलाया गया है कि अभी खरीफ के मौसम में और आगे रबी के मौसम में हम किसानों को अधिक से अधिक दलहन के उत्पादन के लिए उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, सहयोग दें, समर्थन दें और इससे संबंधित जो विषय हैं वैज्ञानिक रूप से उनको समझाने की कोशिश करें। उसी के लिए आज यहाँ पे कार्यशाला भी है ये, और इसके साथ साथ किसानों को अरहर के दाल का बीज वितरण भी किया जा रहा है और उसके साथ बीज दिए जा रहे हैं किसानों को खेत में जाने के लिए एनसीसीएफ की तरफ से और बाकी राज्य समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा, किसानों की समृद्धि पूर्ण होगी। सर आपका डायलॉग है हर थाली में दाल, दाल महंगा है तो गरीबों की थाली में कैसे पहुंचेगा? सबके थाली में पहुंचेगा और दाल देने का काम भी भारत की सरकार कर रही है। आगे आने वाले दिनों में हम जब उत्पादन को बढ़ाएंगे तो हमारी सरकार उस दिशा में भी विचार करेगी। सर आप किसान की बात करते हैं, हम लोग दियरा क्षेत्र से आते हैं और यहाँ पे पहले गन्ना की खेती होता था और गन्ना पर ही किसान बहुत ज़्यादा निर्भर होते थे। दोनों चीनी मिल बंद हो जाने के कारण गन्ना की खेती बंद हो गई है। आप दूसरे विषय की ओर जा रहे हैं। नहीं, यह आप मंत्री हैं। यह जो कार्यक्रम है यह बहुत स्पेसिफिक कार्यक्रम है सर। ये तो आपकी आपका प्रश्न कर लीजिए तो आपकी तो छोटी सी बात है सर, चाह देंगे दोनों चीनी मिल चालू हो जाएगा और किसानों के सुख चैन शांति मिलेगा, गन्ना होगा, रोजगार बढ़ेगा। हाँ हाँ, उनका कार्यक्रम पूरी तरीके से दलहन के उत्पादन को बढ़ाना, दलहन की खेती को बढ़ा के किसानों के आय को बढ़ाना और बढ़ाने के लिए उनको बीज सहित अन्य सहयोग भारत की सरकार, बिहार की सरकार के द्वारा देना, एनसीसीएफ के माध्यम से देना, अन्य सहकारी संस्थानों के माध्यम से देना है। और यह इसीलिए न किया जा रहा है कि जब पूरे दुनिया का वायु जलवायु बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, बरसात की परिस्थितियां बदल रही हैं तो खेती भी बदल रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। और जलवायु मौसम के अनुसार यदि किसानों को हम शिक्षित करके फसल का उत्पादन मौसम के अनुसार करने के लिए नहीं बताएंगे तो किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। आज ज़रूरत है देश में और बिहार में कि अरहर की खेती बढ़े, मूंग की खेती बढ़े, मसूर की खेती बढ़े, चना की खेती बढ़े। ये खेती कैसे बढ़ेगा? कोई खेत का क्षेत्रफल तो बढ़ा नहीं है। जो कुछ दूसरा फसल उत्पादित होता था उसके साथ जिसको यदि हम लगाते हैं तो हम किसानों को लाभ पहुंचा पाएंगे। बात जहाँ तक रही गन्ना किसानों की तो गन्ना किसानों के संदर्भ में भी लगातार और भारी में डाले कार्यक्रम के अर्थ का है मेरा ऐसे कि पोषक तत्वों की कमी होता महिला में पुरुष में, भारत सरकार दलहन और तेलहन के बढ़ावा देवे खातिर ऐसे दलहन और तेलहन के बढ़ावा दिहल जाए तो किसान के आमदनी बढ़ी। चूँकि महंगा बा चावल और गेहूं से महंगा बा दलहन और तेलहन, एकरा के बढ़ावा देवे खातिर पौष्टिक आहार हर देश के जनता को मिलो, एकरा खातिर दाल जरूरी बा। तो हर थाली में दाल अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति के दाल मिलो, ये खातिर ये अभियान चलाओ। दाल मिलो लेकिन साथे साथे किसान के तो ईख की खेती होगी चाहिए, चीनी मिल भी मुद्दा होके के चाहिए। आज के मुद्दा नहीं कही, नहीं आज के मुद्दा के बाद नहीं होगा, तो सत्ता में आज के मुद्दा है दलहन। हाँ, दलहन इतने किसान इकट्ठे हुए इनको क्या ट्रेनिंग? देखिए सभी किसानों को बीज दिया जाएगा, सीड अपने खेत में प्रोडक्शन करेंगे और उसको फिर सेल करेंगे, एनसीसीएफ उसको परचेज कर लेगा। इतना कहले के बाद दियरा क्षेत्र जंगली सुअर नीलगाय से लोग बहुत परेशान रहला, तो जब बिया देमा बो देमा होखबे ना करी तो क्या फायदा? अब एक खातिर हमारा लिए कोनो निदान नहीं किया। अब प्राकृतिक प्राकृत है ना, सुअर भी प्राकृत कांग है, नीलगाय भी प्राकृत कांग है, उसका भी रहना चाहिए। वैसे बिहार सरकार ने मारने का आदेश कर दिया, बिहार सरकार ने बहुत पहले मारने का आदेश